an index and little finger hands. Index and little finger. हाँ अभी कौन सा साइड का प्रॉब्लम बताना बोले तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड का हैंड है लेफ्ट लेफ्ट साइड का लेग है कौन सा साइड प्रॉब्लम है वो साइड देख लेना पेन पॉइंट अभी मान लीजिए जैसे लेफ्ट पैर में दर्द है फिर कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर अच्छा लेफ्ट में है तो लेफ्ट का हाँ राइट है तो राइट का ठीक है थैंक यू पूरा ऐसे दबाना क्रॉनिक और ज्यादा करना चाहे तो और एक पॉइंट भी ले सकते हैं कंफ्यूजन होता है बोल के नहीं बोल रहे मगर अब और एक बार एक भी देख सकते हैं हमारा और दो छोटा ये लास्ट टू फिंगर्स है ना ये ऑपोजिट आता है ये फर्स्ट टू फिंगर सेम साइड का रिप्रेजेंट करता है हैंड एंड लेग ये लास्ट टू फिंगर्स ऑपोजिट का रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड में लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड में राइट लेग लाइट राइट हैंड ये समझ लिए तो आप ये फिंगर राइट में प्रॉब्लम है राइट लेग में राइट लेग राइट साइड का एंड राइट लेफ्ट में राइट लेग इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर ये समझ में आ गए ना ये समझ में आ गए ना जी यस और ओके आज और एक बहुत अच्छा सेंस ऑर्गन और एक सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे वो है हमारा हार्ट एंड स्टमक कनेक्शन का सेंस ऑर्गन हमारा सेंसेस आपको पांच मालूम है ना इसके अंदर एक टेस्ट वन इज द टेस्ट हम कैसा देखते हैं टंग से टंग हमारा हार्ट को कनेक्शन रहता है एंड माउथ स्टमक को कनेक्शन रहता है ये दोनों हमारा इधर ही है माउथ एंड स्टमक के अंदर ओके हमारा को ये टंग एक्टिव करे तो हमारा सेंस टेस्ट का टेस्ट अच्छा टेस्ट फील करने का शक्ति अच्छा रहता और सेल्स पूरा एक्टिव रहता कितना सलाइवा हम लिए लिए तो उतना डाइजेशन अच्छा रहता हमारा डाइजेशन सिस्टम 50% हमारा मुंह में ही होता है मुंह में हो गए तो होना है हुआ तो हमारा को स्टमक में बाकी का 50% अच्छा डाइजेशन होके हमारा को प्रॉब्लम्स नहीं आता ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने दीजिए हेडेक ले लीजिए पेन्स क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी आ जाता है इसीलिए पहले से ही हमारा ये सेंस ऑर्गन को अच्छा रखे तो हमारा 50% प्रॉब्लम हमको क्योर कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं सो इसके वास्ते टंग के लिए हम एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे छोटा बच्चे दूध पीने के बाद क्या करते हैं आप एक बार याद कीजिए देखा होगा सब लोग नेचुरली कोई भी सीखा नहीं बाय बर्थ वो करते हैं दूध पीने के बाद छोटे बच्चे एक कोई भी सिखाई भी नहीं वो अपने आप वो एक्सरसाइज करते हैं इससे क्या है वो सलाइवा रिलीज होता है ओके अच्छा डाइजेशन हो जाता है ओके अभी आप लोग क्या कीजिए वो टंग को ऊपर का पैलेट को मार लीजिए ऐसा मूवमेंट कीजिए करने से क्या है सलाइवा रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड्स इधर रहता है ना वो एक्टिव हो जाता है मुंह में पानी पूरा सलाइवा पूरा भरने तक वो करना आपको
ओके स्टार्ट. तो पहले ऊपर का जॉ में हमारा ब्रेन का नर्व सेंडिंग पॉइंट्स भी रहता है, वो भी स्टिमुलेट होता है हमारा. सलाइवा पूरा मुंह में भरने तक स्टॉप नहीं करना. बनने तक, बनने के बाद उस लेवा आपको अंदर लेनी. इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने दीजिए, स्टमक स्टमक भी कूल होता है, डाइजेशन अच्छा होता है. मैम खाने खाने के बाद करना है या खाने के बाद करना है? कभी भी कर सकते हैं ये, कभी भी कर सकते हैं आप. खाने के बाद नहीं, खाने के साथ आप लोग और एक ध्यान देना है चबाने का. अच्छा हमारा फूड 50% इधर चबाए तो 50% स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाता, आराम से डाइजेशन हो जाता है. अगर विदाउट च्यूइंग हम खा लिए तो स्टमक को ओवरलोड हो जाता है, ओवर वर्क करना पड़ता है, ओवर एंजाइम्स रिलीज होना पड़ता है. ए एक टाइप ऑफ एंजाइम है डाइजेशन करने का. ए सलाइवर रिलीज हो गए तो फूड के साथ स्टमक के अंदर इजी डाइजेशन होता है, प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं आता है. कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम, स्टमक बर्निंग, स्टमक में अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है. हमारा मेन आजकल का फूड भी चेंज हो गया, इसके हिसाब से हम और हमारा टाइम के हिसाब से हम क्या है, एक छोड़ दिया, चबाना छोड़ दिया, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, वो एक करेक्शन कर लिए तो एक 50% प्रॉब्लम हम तो क्योर कर सकते हैं. और कभी-कभी ड्राइनेस बढ़ जाता है, स्पेशली ओल्ड एज में ना ड्राइनेस हाँ. बढ़ता है तो उसके लिए क्या करना है? या ये ड्राइनेस भी इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज. ओके हाँ. और एक मॉर्निंग सलाइवा इज सेड टू बी वेरी नाइस. मॉर्निंग सलाइवा, फर्स्ट सलाइवा. या हाँ वही मेन है, वो टंग को एक्टिव करना, वो सेल्स को एक्टिव करने के लिए मूवमेंट, ये मूवमेंट करना है. करने से क्या है, वो टंग अच्छा क्लियर रहता है. और सलाइवा वो ड्राइनेस क्या है, स्टमक हीट है, स्टमक में गर्मी बढ़ गई तो गला मुंह पूरा सूख जाता है. वो हीट कम होना बोले तो पानी अच्छा पीना फर्स्ट थिंग, एक खट्टा चीज ज्यादा नहीं खाना, और हीट का प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा, गर्मी पानी ज्यादा, गर्म गर्म फूड थोड़ा कम करना, कूल थिंग्स थोड़ा ज्यादा लेना. ओके फूड के अंदर ये ड्राई आइटम्स पिज्जा बर्गर, वो इसके अंदर सॉल्ट ड्राइनेस ज्यादा देता है, सॉल्ट थोड़ा कम करना, 50% कम करना. पूरा ड्राई हो तो एक वन वीक विदाउट सॉल्ट का है तो बीपी भी कम होता है और ड्राइनेस भी कम होता है. सॉल्ट क्या है, पानी को अब्सॉर्प्शन कर लेता है. सॉल्ट को मेन कम करना अवॉइड करे तो भी, एक नेचर क्योर डाइट के हिसाब से थोड़ा एक वन वीक अवॉइड करके खाए तो भी ये ड्राइनेस कम होता है. वो हमारा ऊपर ही है, कुछ सिम्टम बता रहे, बॉडी कुछ सिम्टम बता रहे बोले तो अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम रेक्टिफाई करें तो कम हो जाता है. ऐसे ओवरलुक करके ऐसे कंटिन्यू करें तो प्रॉब्लम क्रॉनिक होके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. एसेंस ऑर्गन्स पूरा हमको इंडिकेशंस देता है, आइस के अंदर, टंग के अंदर, ईयर्स के अंदर, नोज के अंदर, पूरा हमारा को इंडिकेशंस अंदर ऑर्गन्स का इंडिकेशंस देता रहता है. सो वो हम नोटिस करें तो नोटिस करके प्रैक्टिकल एक्शन में आना, उसको प्रैक्टिकली
कम करने के लिए कोशिश कर करे तो मेरे को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स नहीं आती मैम, शुरू शुरू में ही अवॉइड कर सकते। बोलिए मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, वो जो आपने पैर का बताया था ना अभी दोनों, तो वैसे ही हैंड शोल्डर का भी होता होगा ना? या ये हैंड है, ये दोनों हैंड है? नहीं नहीं, इंडेक्स फिंगर हैंड है। ओके, मिडिल फिंगर लेग है। ओके, हैंड्स के अंदर। तो अगर राइट राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो फिर क्या करने का? ये फर्स्ट जॉइंट शोल्डर जॉइंट, मिडिल जॉइंट एल्बो, ये रिस्ट फर्स्ट जॉइंट, ऊपर का नेल के पास का रिस्ट जॉइंट, राइट हैंड का, राइट हैंड का राइट साइड, राइट हैंड। और लेग का एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज, एक बार करके बता दीजिए ना। हाँ राइट, नहीं प्रेस तो नहीं करना है मैम आपको, राइट हैंड में प्रॉब्लम है ना? हाँ राइट हैंड है, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड। नहीं तो कैसे करना मैम? हाँ कैसा करना? ओके, लेग का और हैंड का प्लीज रिमाइंड कर दीजिए प्लीज। नहीं पहले एक साथ करना, बहुत कंफ्यूजन कर रहे हो, पहले हैंड का करे तो हैंड का कर लो फिर अपन लेग का देखते। हाँ एक ही करके। ओके दो बात बोलते, आपको पहले इसका रिप्रेजेंटेशन का प्लेस मालूम होना है। ओके राइट लेग ले लीजिए, राइट लेग बोले तो राइट साइड। ओके ये हमारे हाथ में पूरा बॉडी पार्ट रहता है ना, राइट राइट हैंड फर्स्ट टू फिंगर्स, ये थंब पूरा हेड है, दोनों में हेड है। ओके एंड इंडेक्स फिंगर राइट साइड का राइट हैंड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। ये समझ में आया आपको? यस मैम, यस मैम। Yeah. ये क्लियर हो गया? यस मैम। राइट हैंड राइट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज द हैंड। हाँ ओके लेफ्ट अभी पैर लेग्स मिडिल फिंगर, लेफ्ट साइड का लेफ्ट मिडिल फिंगर, राइट साइड का राइट मिडिल फिंगर। समझ में आया? यस मैम। ये बस ये दो ही है फिंगर्स लेने की, एक हैंड है एक लेग्स है बस। Okay. अभी इसके अंदर ये फर्स्ट जॉइंट हमारा ये बॉडी को टच हुआ ना, ये शोल्डर है। Okay. ये हेड है ना, हेड को टच होके क्या है? शोल्डर। हमारे हेड को टच होके क्या है? शोल्डर। ये याद रख लीजिए बस, समझ में आया ना? राइट है, थैंक यू। हेड को टच होके शोल्डर है ना, ऐसे हेड है ना थंब, थंब को टच होके शोल्डर, एल्बो मिडिल जॉइंट एल्बो, ये जॉइंट फर्स्ट जॉइंट, ये ऊपर का जॉइंट एंकल रिस्ट एंड एंकल, ये ऊपर का। तो मैम प्रेस करना है? हाँ ये मिडिल फिंगर्स बोल दो, एल्बो एंड नी, इसके अंदर नी इसके अंदर एल्बो, नीचे का हिप जॉइंट शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ओके, लेग का हिप जॉइंट हैंड का शोल्डर जॉइंट। प्रेस कैसे करेंगे मैम? प्रेस आप एनी फॉर्म ले सकते हैं इसको, एनी शार्प पेंसिल और पेन बॉल पॉइंट पेन एनीथिंग लेना है, लेके शोल्डर के पास पेन है तो ये राउंड आपको ना है पेन पॉइंट को ढूंढना है। ओके ऐसा पेन पॉइंट को ढूंढना है, इधर ए पार्ट ढूंढ के उधर प्रेशर देना है, इससे पेन से ही वो पॉइंट को प्रेशर कर सकते, नहीं तो हाथ से ऐसा प्रेस कर सकते। नहीं है तो आप एक पेपर टेप मिलता है मेडिकल शॉप में, उसके ऊपर मेथी दाना रखे, इसके इधर आप रख सकते हैं, टेप कर सकते हैं करके वो भी प्रेस कर सकते हैं आप, क्यों पेन पॉइंट ढूंढना सेल्फ मालूम नहीं पड़े नहीं आए तो वो भी रफली वो भी आप प्रेस कर सकते पूरा।
ओके आपको पीछे साइड पे नहीं, पीछे मेनली अच्छा देखना है, फ्रंट साइड पे नहीं, फ्रंट साइड देखना है, ओके और इजी हो जाता है आप लोगों को। आपको पेन महसूस पीछे तरफ है बोले तो पीछे अच्छा देखना है, फ्रंट साइड है तो फ्रंट देखना है। अभी पेन किधर फ्रंट है बैक है मालूम नहीं पड़ रहा, ये राउंड ढूंढना, राउंड देख लेना। और एक पेपर टेप आपको समझ में नहीं आया तो कल मैं बताती हूँ। पेपर टेप लेके एक राउंड ऐसा मेथी दाना रख के आप डाल सकते हैं, शोल्डर से एल्बो तक किधर पेन है आपको इधर ढूंढ, एल्बो से रिस्ट जॉइंट तक इधर ढूंढना, और ये रिप्रेजेंट करता है। ओके अभी समझ में आया ना आपको? या थैंक यू इट वाज वेरी नाइस। या थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। ना वो कम होने तक दिन में 4-5 times प्रेस करना वो पॉइंट को। अभी कुछ पेन है आपको, किधर भी पेन है बोलिए। यस मैम, शोल्डर में, बैक में, पीछे की ओर पेन है। बैक में पीछे के उधर पेन है ना? हाँ, ये राइट हैंड, राइट फिंगर ले लीजिए, पीछे की तरफ इधर ढूंढ लीजिए, पॉइंट को इधर ढूंढ लीजिए ऐसा स्लोली, एक एक से एक एक लाइन प्रेस करे तो एक पॉइंट में बहुत ज्यादा पेन मिलता है आपको, 2-3 points भी मिल सकते हैं। हाँ, वो पॉइंट को आपको दबाते रहना, इधर प्रेशर देना, इधर स्टिमुलेट कर रहे तो वो इधर का स्टैग्नेशन, इधर उधर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, पेन बोले तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है उधर, वो बढ़ता है, वो फ्री हो जाता रहता है। ओके और इधर थोड़ा कोई भी पेन ऑयल से मसाज करके थोड़ा हॉट फॉर्मेंटेशन दे दीजिए, गर्म पानी से, बैग और कुछ सॉल्ट से, किसी से हीट देना इधर, नहीं तो हम और एक दूसरा कोई भी है तो हेड ड्राइवर आइस पैक, आइस ओल्ड स्वेलिंग में आइस यूज करते हैं, पेन्स में गरम हॉट पैक यूज करते हैं। ओके कोल्ड पैक स्वेलिंग्स में यूज करते हैं, स्वेलिंग रेडनेस रहता है ना, हीट रहता ना, हीट रहता ना, उसमें आइस पैक यूज करते हैं। पेन्स के अंदर गर्म पानी हीट पैक को यूज करते हैं, हीट करने से क्या है उधर सेल्स एक्ट